देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस है वो प्रत्येक वर्ष को कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और 11 जुलाई को ये मनाया जाता है। दुनिया भर में जनसंख्या से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो संचालन परिषद है उसने जनसंख्या से संबंधित मुद्दों की आवश्यकता और उसके महत्व पर ध्यान आकर्षित करने के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश की थी। तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस देश ने वर्ष 2015 के जो परमाणु समझौता हुआ था उसके तहत निर्धारित जो यूरेनियम संवर्धन सीमा है उसको पार किया है? तो देखिए, ईरान के द्वारा इस सीमा को पार किया गया है। ईरान ने वर्ष 2015 के जो परमाणु समझौता हुआ था उसके तहत जो निर्धारित यूरेनियम संवर्धन सीमा है उसका उल्लंघन किया है और यूरोप को जवाबी कार्रवाई करने के लिए विरुद्ध चेतावनी दी है। ईरान ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते के तहत निर्धारित 67% यूरेनियम की जो संवर्धन की आधिकारिक सीमा है उसको पार किया है। ईरान ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते, जिसको आधिकारिक नाम संयुक्त व्यापक कार्यवाही योजना के नाम से जाना जाता है, उसके कुछ सिद्धांतों का पालन करना बंद कर दिया था। तो इसमें ईरान क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, किस देश ने वर्ष 2020 से हवाई जहाज के जो टिकट हैं उसके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाएगा? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश होगा? फ्रांस होगा। फ्रांस की जो सरकार है वो वर्ष 2020 से कम प्रदूषण फैलाने वाली जो परिवहन योजना है उसके निधिकरण के लिए फ्रांस के जो हवाई अड्डे हैं उससे उड़ने वाली सभी उड़ानों के हवाई जहाज के टिकट के ऊपर 18 यूरो तक का टिकट के ऊपर कर लगाने का निर्णय लिया है। अप्रैल 2018 में स्वीडन में एक ऐसा ही कर लागू किया गया था जिसने हवाई यात्रा के दौरान जलवायु के प्रभाव को कम करने के लिए प्रत्येक टिकट के ऊपर 40 यूरो तक का अतिरिक्त शुल्क वसूला था। जो नए कर है उसे प्रतिवर्ष लगभग 182 मिलियन यूरो प्राप्त होने की उम्मीद है, जो कि हरित परिवहन अवसंरचना में निवेश किए जाएंगे। तो फ्रांस क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, खसरे की बीमारी, खसरे की जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म करने वाला दुनिया का पांचवा देश कौन सा बना है? तो पांचवा देश कौन सा बना है? श्रीलंका बना है। अब पांचवा देश श्रीलंका है, तो उससे पहले के जो चार देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये जो उपलब्धि है वो हासिल करने वाले अन्य चार देश, उसमें आपका एक नंबर पर भूटान है, दूसरे नंबर पर मालदीव है, तीसरे पर DPR कोरिया, और चौथे नंबर पर तिमोर लेस्ते, और पांचवें नंबर पर अभी कौन है? श्रीलंका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन श्रीलंका को मतलब दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरे की बीमारी है उसको जड़ से खत्म करने वाला श्रीलंका पांचवा देश बन गया है। WHO या तो अकेले या खसरा रूबेला या फिर खसरा कंठमाला रूबेला उसके संयोजन से खसरे के टीके की दो खुराक के साथ में सभी बच्चों के लिए टीकाकरण की सिफारिश करता है। तो श्रीलंका इसमें पांचवा देश है वो बन चुका है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, विनियमन और पर्यवेक्षण में सुधार के लिए उत्कर्ष 2022, ये जो उत्कर्ष 2022 है उसको अंतिम रूप किसके द्वारा दिया गया है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड ने केंद्रीय बैंक के विनियमन और पर्यवेक्षण तथा विभिन्न कार्यों को बेहतर बनाने के लिए 3 वर्षीय दिशा निर्देश, जिसको उत्कर्ष 2022 के नाम से पुकारा जाता है, उसको अंतिम रूप दिया है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। निवर्तमान डिप्टी गवर्नर जिनका नाम है विरल आचार्य, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो RBI क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑपरेशन थर्स्ट इसकी शुरुआत किसने की है? तो देखिए, रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल ने जो अनधिकृत बोतल बंद पेयजल है उसकी बिक्री को रोकने के लिए एक अखिल भारतीय अभियान जिसका नाम है ऑपरेशन थर्स्ट, उस नाम से ये शुरू किया है। ऑपरेशन थर्स्ट का उद्देश्य रेलवे परिसर में जो अनधिकृत PDW यानी कि जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है उसके खतरे को कम करना है। इस ऑपरेशन में भारतीय रेलवे के लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों को भी शामिल किया गया है। तो रेलवे पुलिस फोर्स क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, उर्वरक 2.0, ये जो पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा ये पहल शुरू की गई है और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? डी सदानंद गौड़ा है। उन्होंने उर्वरक सब्सिडी के जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है उसके दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। ये जो उर्वरक है उसमें
डीबीटी व्यवस्था, यानी कि DBT 1.0 का उद्देश्य खुदरा विक्रेता के द्वारा जो लाभार्थी हैं उनको की गई जो वास्तविक बिक्री है उसके आधार के ऊपर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों के उर्वरकों के ऊपर 100% सब्सिडी जारी करना है। तो केंद्र सरकार के द्वारा उर्वरक 2.0 पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट आपको दे रखा है पोक्सो। देखिए ये जो पोक्सो अधिनियम 2012 है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा यौन अपराध और बाल संरक्षण। देखिए पोक्सो का मतलब क्या होता है, यौन अपराध और बाल संरक्षण, इसी को पोक्सो के नाम से जाना जाता है और इसके संशोधन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और यौन अपराध के ऊपर जो मौत की सजा सहित सजा को अधिक सख्त बना देगा। संशोधन में बाल अश्लीलता के ऊपर अंकुश लगाने के लिए जुर्माना और कारावास का प्रावधान भी किया गया है। इसका उद्देश्य संकट के समय जो कमजोर बच्चे हैं उसके हितों की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना है। तो यौन अपराध और बाल संरक्षण क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है UNWFP, इसके साथ में साझेदारी के 50 वर्ष पूरे होने के ऊपर हॉकी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर, और ये कौन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने नई दिल्ली में 50 ईयर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर चेंज इस नाम से एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। पुस्तक में खाद्य और पोषण सुरक्षा की ओर से जो भारत के सफर में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पशुधन और डेयरी विकास में जो सुधार हुए हैं, खाद्य सुरक्षा जाल का जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसके सहित अन्य जानकारी भी दी गई है। तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है सभी श्रम कानूनों का एकल कानून में विलय करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा मंजूरी दी गई है यह आपको बताना है। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर एक कानून बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है जो या तो 10 या फिर इससे अधिक जो श्रमिक हैं उनकी नियुक्ति करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के ऊपर लागू होगा। देखिए एक बात का आप ध्यान रखना, जो श्रम मंत्री हैं वो कौन है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संतोष गंगवार हैं वो क्या हैं, श्रम मंत्री हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है DGCA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। देखिए DGCA का मतलब क्या होता है, नागर विमानन महानिदेशालय, और इसके प्रमुख के रूप में वरिष्ठ IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो कि हरियाणा कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और उनका नाम क्या है, अरुण कुमार है। इनको नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने अतिरिक्त सचिव और जो वित्तीय सलाहकार अरुण कुमार हैं उसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। श्री अरुण कुमार BS भुल्लर की जगह लेंगे। BS भुल्लर जो कि रिटायरमेंट होने के बाद से 1 जून से महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब BS भुल्लर जो कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं उनको 5 वर्ष के लिए विमानपतन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद के ऊपर नियुक्त किया है। देखिए आपका जो DGCA है यानी कि नागर विमानन महानिदेशालय है वो केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक नागरिक उड्डयन के लिए भारतीय नियामक संस्था है, और एक नियामक संस्था के रूप में इसका उद्देश्य भारत में विनियमन और जो सक्रिय सुरक्षा निगरानी प्रणाली है उसके माध्यम से सुरक्षित और कुशल वायु परिवहन को बढ़ावा देना है। तो इसके प्रमुख के रूप में अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीते गए हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि राखी हल्दर और देवेंद्र कौर दोनों के द्वारा ये स्वर्ण पदक जीते गए हैं। भारतीय भारोत्तोलक के द्वारा जो राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप है उसके दूसरे दिन अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखने के बाद में राखी हल्दर और देवेंद्र कौर ने वरिष्ठ महिला वर्ग में एक एक गोल्ड मेडल हासिल किया है। कौर ने टोटल 184 किलोग्राम भार उठाकर महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि राखी हल्दर ने 214 किलोग्राम का टोटल भार उठाकर 64 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। भारत के कनिष्ठ और युवा वर्ग में 5 अन्य स्वर्ण पदक भी जीते गए हैं। तो इसमें उपरोक्त दोनों क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 2019 का जो विंबलडन चैंपियनशिप टेनिस का टूर्नामेंट है वो इसका कौन सा संस्करण है ये आपको बताना है। तो देखिए ये इसका 133 नंबर का संस्करण है। 2019 में जो विंबलडन चैंपियनशिप है 133वां संस्करण है, ये एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो कि यूनाइटेड किंगडम के जो लंदन है
वहां पर स्थित विंबलडन में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोक्रेट क्लब में हो रहा है। और ये जो टूर्नामेंट है वो 1 जुलाई से शुरू हुआ है और 14 जुलाई 2019 को ये समाप्त होगा। 2019 में जो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप है वो पुरुष एकल सेमीफाइनल इसके मुकाबले हैं वो निर्धारित हो चुके हैं, जिसमें विश्व के नंबर एक खिलाड़ी कौन है, नोवाक जोकोविक हैं, और दूसरे नंबर के खिलाड़ी रोजर फेडरर हैं, और तीसरे नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो राफेल नडाल हैं। इसके अलावा जो रोबर्टो बतिस्ता अगुट हैं उन्होंने भी अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच जीतने के बाद में अंतिम 4 स्थान हासिल किए हैं। सेमीफाइनल में जो रोजर फेडरर है उसका सामना राफेल नडाल से होगा, जबकि नोवाक जोकोविक का जो मुकाबला है वो रोबर्टो बतिस्ता अगुट से होगा। तो ये 2019 में जो विंबलडन चैंपियनशिप टेनिस का टूर्नामेंट है वो इसका कौन सा संस्करण है, 133 नंबर का संस्करण है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 12 जुलाई 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपने बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए क्वेश्चन के साथ में। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।